तो आज आपको लेके चलता हूँ मैं दरभंगा के DRCC भवन में, जो कि पिछली साल की तरह इस साल भी भीड़ का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, बच्चों का भीड़ इस कदर बढ़ रहा है कि कुछ बताया नहीं जा सकता कि DRCC भवन में इतना भीड़ क्यों है। पिछले साल भी इसी तरह भीड़ था और इस साल भी इसी तरह भीड़ होने की संभावना है। तो आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आज मैं अपने गांव से 8-10 बच्चे को लेके आया हूँ DRCC भवन कि भीड़ नहीं होगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन करवा लेता हूँ। जब यहाँ पहुँचा तो भीड़ देख के तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा भैया, फिर पिछली साल की तरह इस साल भी इतना भीड़ है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल में गर्मी इस कदर है कि बता नहीं सकते। अभी समझ सकते हैं कि जून का महीना है और कितना गर्मी है, तो देखते हैं किस कदर बच्चे लोग परेशान है। एकदम धूप देखिए, धूप तक अंदर आ रहा है। वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए कि DRCC भवन में क्या होता है और क्या घर से करने से क्या फ़ायदा है और DRCC भवन जाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये लाइन देख के आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, किस चीज़ का लाइन है? ये DRCC भवन में सिर्फ हेल्प डेस्क पे सिर्फ काउंटर नंबर लिखा है। बात हुसैन, अभी मैं दरभंगा DRCC भवन आ चुका हूँ, तो यहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ, जो कि अभी हेल्प डेस्क काउंटर पे कितना भीड़ है, कितने लोगों का यहाँ जमा लगा हुआ है, देख सकते हैं लड़की लड़कियाँ सब कितना परेशान है, लाइन में सब परेशान है काफ़ी। और भी आपको दिखाते हैं, ये तो काउंटर नंबर लिखाने का भीड़ है। ये जो लाइन देख रहे हैं ये काउंटर पर जाने का लाइन है, देखिए मेरे एक साथी भी अंदर है, काफ़ी देर से एक घंटा से लग रहा है कि काम करवा नहीं है और ये सामने पुलिस गाड़ी में है। ये दिख रहा है तुमको, ये सारा ऑफलाइन वाला भीड़ है, ठीक है। ये बाहर का नज़ारा देख लो, कभी ये वीडियो तेरे लिए ऐसी, ये देख रहा है यहाँ से लैन, ये सारा ऑनलाइन वाला ही भीड़ है, इसको काउंटर पे जाना है, ठीक है। और दिखा, ये देख, ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पे भी ऑनलाइन वाला भीड़ है, ठीक है, यहाँ पे काउंटर नंबर लिखाने के लिए भीड़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।